हेलो दोस्तों, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइन ये चैप्टर क्लियर करने वाला हूँ। जो स्टूडेंट न्यू रहते हैं उनको टाइप्स ऑफ लाइन किस तरह से रहता है वो मालूम नहीं रहता है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइन का यूज कहाँ किया जाता है ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। किस तरह से लाइन ड्रॉ करना चाहिए, कौन सा लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, यह सब पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। यह वीडियो आप पूरा एंड तक आप देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा टेक्समेक चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लिए, यानी आपको रोज रोज नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ लाइन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइन में कितने प्रकार रहते हैं वो आपको पहले वीडियो में आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी वापस आपको रिवीजन कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ लाइन में पहला लाइन रहता है ऑब्जेक्ट लाइन, इसे इसको आउटलाइन भी कहते हैं या विजिबल लाइन भी कहते हैं। तो आउटलाइन लाइन का बाद में दिखा रहा हूं किस तरह से यूज किया जाता है। बाद में हिडन लाइन, सेंटर लाइन यूज किया जाता है। बाद में एक्सटेंशन लाइन यूज किया जाता है, डायमेंशन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन और सेक्शन लाइन। इसी तरह से अलग अलग टाइप के लाइंस रहते हैं वो आपको ड्रॉ करना पड़ता है। जब भी ड्रॉइंग निकलता है उस टाइम आपको ड्रॉ करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट लाइन आपको ये ड्राइंग दिखाया है, इसके अंदर इसे विजिबल लाइन भी कहते हैं। तो ये देखो, आपको ड्राइंग निकालने के बाद जो बाहर का पोर्शन रहता है ऑब्जेक्ट का, जो लाइन रहते हैं उनको कहते हैं विजिबल लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। कोई भी ड्राइंग का बाहर का सरफेस रहेगा उसे विजिबल लाइन कहते हैं, ये ख्याल रखने। इसके बाद दूसरा हिडन लाइन है। हिडन लाइन यानी जो पोर्शन आपको यहां सामने से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से रहता है उसे हिडन लाइन कहते हैं या डॉटेड लाइन कहते हैं। तो अपने को ये हिडन लाइन है, ये पोर्शन आपको सामने से नहीं दिख रहा है लेकिन यहां ये इस डायरेक्शन से दिखेगा, तो इसीलिए आपको ये हिडन लाइन दिखाना चाहिए। तो ये थ्रेडिंग पोर्शन है, तो ये यहां से क्लियर मालूम पड़ता है, डॉटेड लाइन दिखा है इसे हिडन लाइन कहते हैं। अलग अलग स्केच पेन यूज किया है मैं चौक, तो आपको क्लियर समझेगा, इसीलिए मैं अलग अलग चौक यूज कर रहा हूं, यानी पूरा आपको आइडिया आना चाहिए। तो ये हिडन लाइन आपको समझ गया किस तरह से हिडन लाइन किसे कहते हैं। उसके बाद सेंटर लाइन, कोई भी सर्कल का जिसमें आप सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं इसे सेंटर लाइन कहते हैं। बीच में जाने वाला लाइन जो रहता है उसे सेंट्रल लाइन कहते हैं। तो सेंट्रल लाइन किस तरह से रहता है, इस तरह से सेंट्रल लाइन रहता है। एक लाइन बड़ा रहता है, बाद में छोटा रहता है, बाद में बड़ा रहता है छोटा, इस तरह से एंड तक आपको सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। इसी तरह वर्टिकल लाइन में भी सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। सर्कल रहेगा तो इस तरह से सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, इसे कहते हैं सेंट्रल लाइन। तो सेंटर लाइन भी आपको समझ गया होगा किस तरह से दिया जाता है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन लाइन। अपन ड्राइंग निकालने के बाद कोई भी ड्राइंग में डायमेंशन देना पड़ता है, तो डायमेंशन देने के टाइम इसे एक्सटेंड लाइन करना पड़ता है। ये जॉब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जॉब को टच नहीं करने का, एक्सटेंशन लाइन जो रहता है इसमें गैप रखने का, देखो 2 mm का गैप रखेंगे उसके बाद एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करने का, तो इसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये रेड में दिख रहा है इसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। कोई भी एक्सटेंशन लाइन जॉब के बाहर रहता है, तो ये एक्सटेंशन लाइन आपको समझ गया होगा। इसके बाद डायमेंशन लाइन है, देखो ये डायमेंशन लाइन दिख रहा है, एक्सटेंशन लाइन के अंदर इसके ऊपर आपको यहाँ पे डायमेंशन देना पड़ता है। अभी ये मैं यहाँ पे दे रहा हूं 300, ये डायमेंशन लाइन हो गया, इस लाइन का डायमेंशन होगा यहां से यहां तक 300 mm है।
तो इसे क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन। समझ गए आपको इस तरह से। इसके बाद कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन इसका मतलब होता है कोई भी जॉब कटिंग करने का होगा, अपने को बीच में से काटने का है, काटने के बाद किस तरह से दिखता है, और इसीलिए आपको यहाँ पे दर्शाया जाता है ये पार्ट यहाँ से काटने का है। तो ये देखो ये ए और ए यहाँ से आपको दिखाया है, ये एंड में डार्क रहता है, बीच में लाइट रहता है, एक बड़ा लाइन रहता है, एक छोटा लाइन रहता है। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया है कटिंग प्लेन लाइन किस तरह से रहता है, वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कटिंग प्लेन लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये रेड चौक में दिखाया है ये कटिंग प्लेन लाइन हो गया, इसे कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। ये समझ गया कटिंग प्लेन लाइन। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लाइन है। शॉर्ट ब्रेक लाइन जॉब के अंदर अपने को छोटा साइज में ब्रेक किया वो दिखाने का है अपने को ड्राइंग के ऊपर। इस तरह से येलो कलर में दिखाया है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है। उसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन रहता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन में चार प्रकार रहते हैं, मेटल रॉड के लिए अलग दिखाना पड़ता है, मेटल ट्यूब के लिए अलग दिखाना पड़ता है, मेटल बार के लिए अलग दिखाना पड़ता है, और वुड के लिए अलग दिखाना पड़ता है। तो पहला है मेटल रॉड, तो मेटल रॉड लंबा रहता है, उसको अपने को शॉर्ट में दिखाने का है, ये लॉन्ग में अपने को अपने ड्राइंग शीट के ऊपर कम साइज में दिखाना पड़ता है, इसलिए इसे इस तरह से दिखाया जाता है लॉन्ग ब्रेक लाइन। उसके बाद मेटल ट्यूब पाइप रहेगा, तो पाइप के लिए ये अंदर से हलो रहता है, लेकिन इसको यहाँ पे दिखाने के लिए ये लॉन्ग ब्रेक हो गए इस तरह से। इसके बाद मेटल बार, मेटल बार रहेगा सॉलिड, तो इस तरह से दिखाना पड़ता है, इतने मेटल बार के लिए इस तरह। बाद में वुड लकड़ा जो रहेगा उसमें आपको बड़े बड़े लकड़े का डायमेंशन देना पड़ता है, और ड्राइंग में इस तरह से दिखाया जाता है। तो इस तरह से मार्किंग करने का ये लकड़े का होगा, ये चारों टाइप आपको अलग अलग ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है। तो इसे लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं, समझ गए लॉन्ग ब्रेक लाइन का ड्राइंग इस तरह से। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है सेक्शन लाइन। इंजीनियरिंग सेक्शन में ज्यादा करके कंपनी में सेक्शन लाइन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी पार्ट कटिंग करने के बाद अंदर से किस तरह से दिखता है इसे सेक्शन लाइन कहते हैं। सेक्शन लाइन अभी ये वॉशर है, ये वॉशर है, या इसका आपको कटिंग करने के बाद किस तरह से दिखेगा, ये थिकनेस में कम है इसीलिए मैं कम दिखाया, तो ये कटिंग करने के बाद इस तरह से दिखता है, और उसको अपने को सेक्शन लाइन कहते हैं। ये सेक्शन लाइन रहता है 45 डिग्री में, आपको इस लाइन को पैरेलल लाइन को 45 डिग्री में लाइन ड्रॉ करने पड़ता है। तो रेड कलर में दिखाया है इसे सेक्शन लाइन कहते हैं। ये वॉशर को यहाँ से काटने के बाद इस तरह से दिखता है, दिखने के बाद आपको ड्राइंग में इस तरह से दिखाना पड़ता है, इसे सेक्शन लाइन कहते हैं। तो आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, टाइप्स ऑफ लाइन किस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ाया जाता है और यूज किया जाता है, और किस तरह से इसका रीडिंग, हाउ टू रीड एंड हाउ ड्रॉ द लाइन, इस तरह से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। तो ये चैप्टर आपको समझ गया। अगला वीडियो के लिए आप रोज अलग अलग वीडियो आपको रोज देते रहेंगे, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सब आपको फ्री में है टेक्समैक्स चैनल की तरफ से, खाली आपको एक ही काम करने का है, अपने दोस्त को शेयर करने का है या लाइक करने का है और कमेंट करने का है। आपने ये वीडियो पूरा देखा इसलिए टेक्समैक्स चैनल की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।